कोरोना महामारी का कहर पिछले एक वर्षों से लगातार कहर बरपा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नींव को बर्बाद करके रख दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दूसरे लहर के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके कारण किसानों की सब्जी का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों की हालात काफ़ी खराब हो गई है। तो वहीं अनलॉक वन में किसानों को अपनी फसल को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है। बीमारी थोड़ा कम हो रहा है तो लॉकडाउन भी थोड़ा थोड़ा कम सरकार कर रही है। बात रही कि इस बार लॉकडाउन ने भी तो हम लोग फसल ने मार खाए और फसल भी हुआ था तो हम लोग को सही रेट नहीं मिला करेंगे हम। चूँकि पिठोरिया हमारा जो है कृषि प्रधान गांव है और यहाँ सारे लोग हम लोग खेती का काम करते हैं और लॉकडाउन की वजह से गाड़ी नहीं चलने को लेते, हम लोग बाहर अपना माल को नहीं भेज पाते थे। अब जब लॉकडाउन खुल रहा है तो हम लोगों को उम्मीद है कि हमारा जो उत्पाद है वो बाहर दूसरे राज्यों दूसरे जिलों पर जाएंगे तो हमको अच्छा मतलब दाम मिल सकता है, ऐसा उम्मीद है। तो अभी नौ वो मतलब जिला में तो अभी बंधन में लगे हुए हैं ये सरकार का, लेकिन उम्मीद में किसान लगे हुए हैं कि फिर बाजार अच्छा पटरी में आके चलेगा, इसी उम्मीद पर फिर किसान खेती लगाना चालू कर दिया है। अभी बाजार का रेट तो थोड़ा मोड़ा उठा है, लेकिन समझिए कि सब्जियां पूरा खराब हो गया पानी में।